ये देखो भाई सब भाग रहे हैं अरे भाई साहब अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई लाठी चार्ज कर दिया कसम से ये डंडा मार के इसका फोन तोड़ जाएगा अरे यार कवर कवर लगा था फिर भी अरे भाई पूरा बर्बाद कर दिया भाई कितने बड़े फैन हैं यार मैं सुबह 7 बजे से वेट कर रहा हूँ 7 बजे सात बजे बताओ यार 7 बजे कर रहे हैं भैया यार सच में हमको देखो अभी तो निकले थे अरे यार मैं सच में 7 बजे से वेट कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस को पता है मैं 7 बजे आया हूँ तो देखो अभी जो है ना बहुत सारा ऑडियंस आ चुका है इतना सारे लोग आ चुके हैं अभी जो है ना धीरे धीरे सारा जो क्राउड है ना वो बढ़ने वाला है अभी ना जब शुरुआत है ये बहुत ही ज्यादा तहलका होने वाला बवाल मजा आने वाला है मुन्ना 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 तो दोस्तों यहाँ पर मुनव्वर का घर बताने के लिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको जेन्युइनली बता दे कि मुनव्वर का घर कहाँ पर है। अभी हम लोग जो है ना उनके सिस्टर का घर को देखने के लिए जा रहे हैं तो सब किसी को ना ये उम्मीद है कि भाई वो अगर आएंगे ना तो अपने सिस्टर के घर से शुरू करेंगे सिस्टर के घर में पहले आएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे फिर रैली करेंगे तो अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं भाई देखते हैं उनके सिस्टर का घर कहाँ है वो चीज़ दिखाते हैं अगर उनके सिस्टर लोग से बात हो पाती है तो आपको बात भी कराता हूँ। तो दोस्तों आप जो ये सामने में घर देख रहे हो ना यही है मुनव्वर फारूकी की सिस्टर का घर। पहले मुनव्वर फारूकी यहीं रहा करते थे अभी वो यहाँ नहीं रहते हैं अभी नए वाले जो लोकेशन है ना वहाँ का एड्रेस किसी को भी रिवील नहीं कर रहे हैं और अभी ये पुराना घर है तो पुराना घर मैं आपको दिखा देता हूँ ये पुराना है और अभी इसकी जो सिस्टर लोग हैं ना अभी यहीं पर रहती है। भाई साहब इतना क्राउड हो गया ना इतने सारे लोग हो गए हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है आप देख सकते हो भाग भाग के कितना ज़्यादा पसीना हो गया है अब तक जबकि मुनव्वर भाई आए नहीं है जब वो आ जाएंगे तो कैसा माहौल होगा आप सोच सकते हो। अभी देखो हर तरफ जो है ना ऐसा पूरा भीड़ लगा हुआ है सारे लोग अपना मोबाइल लेके कोई चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कोई क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो पूरा क्रेज है भाई दबदबा है भाई मुनव्वर भाई का दबदबा है भाई जलवा है भाई सब लोग को देखो अभी जो है ना सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी आ गई है पुलिस आने का रीज़न ऐसा होता है कि अब ज़्यादा क्राउड हो जाएगा तो सब किसी को ना इस बात का भी डर है कि हो सकता है कि वो आने के लिए मना कर दे मतलब उनको हो सकता है कि यहाँ ना आने दे क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा भाई फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा समझ सकते हो। तो अभी हम लोगों को ना थोड़ा शांति बनाए रखना पड़ेगा जब मुनव्वर भाई आएंगे ना तब आग मूतना है भाई भाई साहब क्राउड देख सकते हो जलवा देखो जलवा का समझे भाई कितना भीड़ लग गया देखो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं पुलिस ऑफिसर्स और ऐसे ऐसे नॉर्मल जो है ना सारे लोग भी अपना हाय हेलो हेलो तो अभी जो है ना देखो भाई साहब क्या बताऊं भाई नेक्स्ट लेवल का भीड़ है अभी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई अभी जस्ट थोड़ी देर में आने वाला क्योंकि स्टोरी लगाया गया था कि 3:00 में आने वाले 3 बजे का टाइम दिया था तो हालांकि अभी टाइम तो थोड़ा क्रॉस कर गया है क्योंकि भाई समझ सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है तो भाई पहले इसको संभालना पड़ेगा अस्थिर करना पड़ेगा फिर आएंगे फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस कारण से थोड़ा सा आगे पीछे किया जा रहा आप देख सकते हो कितना जो ऑडियंस है अभी आ चुका है कितना पब्लिक आ चुका है ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भर रहा है अभी ये और ज़्यादा होने वाला है और सारे लोग अभी आने वाले हैं ये जस्ट शुरुआत है भाई जब मुनव्वर फारूकी आ जाएंगे ना उस टाइम क्या हो सकता है आप सोच सकते हो और वो भाई साहब व्हाट अ फ्लैश है क्या जबरदस्त लाइट मार रहे हैं ये देखो जीप आ गई है तो ये तो भाई खतरा एंट्री मार रहे हैं पूरा कितना सारा LED लगा के रखे हुए भाई देखो भाई ऐसा ट्रैफिक आपने कभी देखा है क्या इतना जाम देखा है क्या किसी के ऐसे उसमें भाई किसी का मीटअप में इतना बड़ा जाम ना मैं तो अब तक नहीं देखा हूँ मैं ऐसे देखा हूँ शाहरुख खान को जो देखने गया था वहाँ जाम लगा था तो वो एक ट्रैफिक नहीं था लेकिन ये ना ट्रैफिक है भाई साहब पूरा जाम हो गया ये देख सकते हो पूरा बवाल तरीके से यहाँ पर जाम करके रखा हुआ है एक भी बंदा रोड पे नहीं आ पा रहा सिर्फ गाड़ियाँ ही चल रही है और लोग जो आना जाना कर रहे हैं ना उनको सर रोक दिया जा रहा है आप सारा कंडीशन देख सकते हो इन लोगों को देख सकते हो सबका जो जुनून है ना जो जज्बा है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है अभी जैसे मुनव्वर फारूकी आएंगे ना ये सारे लोग उधर खड़े नहीं रहेंगे भाई जैसे ही गाड़ी आएगी सारे लोग अभी यहाँ पर रोड में उतरने वाले हैं कौन तोड़ दिया कौन ये इस वाले मैम के पास इस वाले मैम आपने फोन तो मार दिया था टूट गया कैसे टूट गया आपने मारा अरे यार ये देखो अभी डंडा मारा पूरा फोड़ दिया भाई दिखा दिखा ये डंडा मार के इसका फोन तोड़ दिया अरे यार कवर कवर लगा था फिर भी अरे भाई पूरा बर्बाद कर दिया पूरा ग्लास बैक ग्लास पूरा खत्म कर दिया ग्लास नहीं क्या ब्रो पूरा
बढ़ जाएगा ना पूरा 5000 का यही है। वही कह रहा हूँ वो ठीक है पर ये देखो फ्लैश भी क्या फ्लैश भी चला गया यार देखो बहुत बुरा हाल है। कवर था अगर कवर नहीं होता तो मैं मेरा लगता तो क्या अलग होता क्या 14 है 13 है 13 है बताओ अभी लिया था अभी रिसेंटली लिया ही था ये पूरा टूट गया वो जो मैडम मारी ना उसी के हाथ में फिर जाके मोबाइल पकड़ाया बोला कि गिर गया होगा ये अरे यार पूरा यहाँ तक ये भी चला गया पूरा पूरा बैक पैनल चला गया इसका अरे अफसोस की बात है यार भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया सच में भाई बंदे का नुकसान हो गया बहुत बड़ा नुकसान हो गया अब यार कैसे झेलेगा बताओ सीधा 5-6 हज़ार का नुकसान अभी ना उनकी टीम आ चुकी है तो अब लग रहा है कि मुनव्वर भाई जो है ना जरूर आ रहे हैं तो बहुत जल्द ही आने वाले हैं तो यहाँ क्राउड देख सकते हो ये देखो ओ भाई साहब अभी पुलिस लाठी चार्ज ना कर रहे कसम से लग रहा है पुलिस लाठी चार्ज कर रही है लाठी चलने से बवाल हो जाएगा अभी अरे भाई अरे अरे अल्लाह क्या कर रहा है अरे भगदड़ मेरे अंदर जाने जाने भाई भगदड़ को क्या करूं अरे अंदर जाने देना ये देखो सब भाग रहे हैं अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई लाठी चार्ज कर दिया क्या समझे ये देखो ऐसे भाई हालत खराब क्या समझे भाई साहब इतना खतरनाक लाठी चार्ज है ना भाई कुछ लाठी चार्ज जो किया ना किसको इतना लगा ना इतना बवाल वाला लगे आने की क्या बता अरे यार कहीं भी खड़ा नहीं रहने दे रहे बिल्कुल भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शूट करूँ आपको दिखा पाऊँ लेकिन यार कहीं भी खड़ा नहीं रहने दे रहे तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी जहाँ भी मतलब यार इतना ज्यादा क्राउड है ना क्या बताऊँ सब लोग रह रहे के चिल्ला रहे बीच बीच में ये भी बताया जा रहा है कि अब मुनव्वर फारूकी नहीं आ रहे फिर भी यार लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे इतना ज्यादा क्राउड है आप देख सकते हो भाई कंट्रोल करना मुश्किल हो गया वो लोग वहां से रिपोर्टिंग करेंगे झंझट से दूर बिल्कुल ऊपर जाके और हम लोग तो भाई लाइव रिपोर्टिंग करने वाले हैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट हम लोग जगह पे ही रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग वहां जाके कर रहे हैं ये भाई को देख के हंसी आ गई यार भाई साहब ये आप उन्हीं की टीम से हो भाई क्या किस्मत पाया है भाई साहब गजब अल्लाह हम लोग तरस रहे देखने के लिए हाँ भाई अपने चैनल यौदीन ब्लॉग्स के लिए भाई अभी और देख सकते हो पूरा का पूरा जाम लग चुका है अभी जो है ना थोड़ा देर अगर और लेट करते मुनव्वर भाई तो और ज्यादा जाम लग जाने वाला है तो बेहतर भलाई इसी में है कि जल्दी आ जाए जल्दी चले जाए ना तो ये क्राउड खत्म हो जाएगा वरना भाई लफड़ा लगने वाला है इतना तो तय है क्योंकि अभी लग चुका था लाठी चार्ज हो रहा था तो हम लोग किस तरह से भाग रहे थे वो आपने देखा ही है भाई हम लोग कैसा कर रहे थे लेकिन अभी जो है ना अगर और थोड़ा सा लेट करते हैं ना तो और क्राउड बढ़ेगा और लफड़ा बढ़ेगा भाई जल्दी आ जाए ना तो खत्म हो जाए सब लेकिन आ नहीं रहे भाई जल्दी नहीं आएंगे भाई 5 बजे के बाद में अगर आया तो आया वरना लगता है तो 99% तो नहीं आएंगे अरे भाई साहब आप इसमें से समझेगा कौन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई समझने वाले बोले 99% है कि नहीं आएंगे काट ले भाई अरे बना रहे वो लोग हाँ और ये क्रेज देख रहे हो तुम क्रेज की बात अलग है भाई डोंगड़ी वाला धोखा दे ही नहीं सकता भाई अपन लोग ने तो बनाया उसको सपोर्ट किया भाई हाँ धोखा कैसे देगा जब बोल दिया तो फिर हाँ
वो तो आएगा ना भाई, पब्लिक को सपोर्ट करो मुनव्वर भाई को, मुनव्वर का मुनव्वर आना चाहिए इधर पे। हाँ भाई बिल्कुल। ओ भाई क्या वही गाड़ी है क्या? अरे यार लगा वही है, क्रेटा है ना, यही वाला गाड़ी तो मिला है उसको, लगा यही गाड़ी मिला है ना, ये हुंडई का ही मिला है ना, यही हाँ यही गाड़ी मिला है। बोल रहे हैं आगे आना नहीं, मैं तो आगे जाऊंगा भाई, दिख रहा आ गया, देखो सब भाग रहे। ओ भाई साहब कसम से कौन रोकेगा इसको, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता है। अभी फिर से लाठी चार्ज होगा तब सब साइड होगी, अभी लाठी चार्ज होगा तब साइड होगी, अभी लाठी चार्ज हो जाएगा, अभी बाहर जा यार, बच्चा कुछ गया नीचे, कोई भी थमना नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी सब कोई देखना चाह रहे, मैं देखने के चक्कर में पीछे आ गया। भाई साहब इतना क्राउड है ना, क्या बताओ यार, पूरा जान खस्ता हो गया भाई, पूरा थक गया कसम से, कर अब शरीर में जान ही नहीं बचा बिल्कुल भी। ए भाई थोड़ा पानी पिलाएगा? अरे थैंक यू भाई। और सारे ऑफिसर्स आ गए हैं, अरे क्या लफड़ा हो रहा है। दोस्तों आप एक बार देख लो कितना ज्यादा क्राउड है, मैं बाहर आके आपको दिखा रहा हूँ, देखो उधर भी चढ़ा हुआ है, इधर सब का सब खिड़की भरा हुआ है, जितना सारा खिड़की है ना सब भरा हुआ है, और यहाँ पर देखो इतने सारे लोग अभी भी आना जाना कर रहे हैं, यानी अभी भी जो है ना लोगों को अब भी पता चल रहा है कि भाई वो आ रहे हैं, तो लोग कितना भागा दौड़ी कर रहे हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया था तभी जो ना हम लोग गिरते गिरते बचे थे, तो अभी मैं थक गया ना इस कारण से अभी वहां से बाहर आया हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए फिर मैं अंदर जाने वाला हूँ जस्ट थोड़ी देर में, क्योंकि जब वहाँ आ जाएंगे ना मुनव्वर फारूकी तो मैं अंदर जाने वाला हूँ चीड़ता हुआ फाड़ता हुआ, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ मुनव्वर फारूकी को, और जब वो ट्रॉफी दिखाएंगे वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। चलो अभी मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई पुलिस पूरा फॉर्म में आ गया, अब आप पुलिस सोच बोल रहा है अब नहीं छोड़ेंगे भाई, पुलिस वाला पूरा फॉर्म में आ गया, अब सब कुछ साइड करके ही आएगा। बट यार पब्लिक इतनी हार्ड है ना मुनव्वर फारूकी की कि ये लोग साइड नहीं होने वाले हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है जो साइड हो जाएंगे भाई, थोड़ा गिरते हैं फिर उठ करके फिर खड़े होते हैं, अब फिर भाई मुनव्वर के पास, भाई गिरना उठना खड़ा होना, भाई साहब चल रहा है पूरा दबा के, अभी बिल्कुल भी साइड लेने का नाम नहीं ले रहे कोई भी मुनव्वर के फैन। यहाँ देखो ऑलरेडी इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है,
ऐसा कैसे कर रहे हैं भाई? जूता निकालने दे। Thank you.
अरे साइड लो, गिर जाओगे खाली तुम। जान नहीं चल रहा भाई, जान नहीं चल रहा बिल्कुल भी। भाई साहब खत्म हो गया सच। झंड झंड देखो, अभी भी पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल ही रास्ता नहीं है कि बंदा आगे जाए, बिल्कुल ऐसे ही जाम बड़ा हुआ है, लगभग 2-3 घंटे से ऐसे ही है। दोस्तों मैंने आपको जो ना पूरा का पूरा कोशिश किया कि अच्छे से दिखा पाऊं यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगा, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं आपको दिखा पाया हूं। इतना भीड़ में खड़ा रहना, कोई इधर से चाप रहा है, कोई उधर से चाप रहा है, भाई हालत खराब हो गई। और भाई सच बताओ ना, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँ ना भाई, ट्रॉफी मुनव्वर भाई के हाथ में बहुत ज्यादा जच रहा है, बहुत जम रहा है। भाई साहब जैसे जैसे मैंने उनको टीवी में देखा था, सेम वैसा ही है, वैसा रिएक्शन, वैसा शायरी मारा। शायरी हालांकि आपको सुनाई नहीं दिया होगा, हालांकि इतना क्राउड में किसको सुनाई देता है भाई, अमेजिंग फील।